यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू लखनऊ कल्पना ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पीछे कुछ आवाज आई थी, बस उसको ही नोटिस कर रहे थे। तो अभी शाम का क्या रात ही होने वाली है, तो अभी गेहूं धुले जा रहे हैं। मम्मी उधर हैं, इधर छोटी भाभी हैं। तो मेरी शूट हुई तो अब हम नहीं लगे, अब हम भी मदद करवाने जा रहे हैं। तो गेहूं धुलवाने में टंकी भर गई है, गेहूं आने की देरी है बस। तो फिर चलते हैं, गेहूं धुलते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट आपको भी दिखाते हैं, अभी धुल के यहाँ पे लगा दीजिए, सुबह इसको फैलाया जाएगा। मम्मी आगे पीछे भागते हैं, तो पहले जूड़ा लगा लेते हैं। गेहूं यहाँ पे आ गया, इसमें पड़ेगा पानी। पानी उधर है, टंकी भर गई, इधर से पानी इधर आएगा, फिर इधर से झूले जाएंगे। एक तरफ ऊपर है। अब अभी बोरी दिखाते हैं, ये बोरी इधर भाभी बैठी है। अभी नए घर में गेहूं रखे हुए हैं। ये गांव मेरे खेत के गेहूं हैं, मेरे गांव के जो दिन आए थे तो वो दिखाया नहीं है। तो मम्मी धुलने लगी है, दिखाएं बैक कैमरे से। गेहूं यहाँ पे धुलने भी लगी मम्मी। चलिए आज आप लोगों से हम लखनऊी बोली बोलते हैं, ठीक। हम लखनऊी बोली बोलेंगे। तो कहाँ से शुरुआत करी मम्मी? यहाँ पर गेहूं धुल रही है और हम खड़े हैं छत पर। हमें छोटी भाभी बैठी है, अभी हम रील शूट करे रहे हैं। तो बस बैठे हैं, और लेकिन क्या करें, हमें घर में सब लोग आ गए तो हमका उठे पड़ गया, रिंग लाइट वगैरह उधर रखे पड़ गए। ये मेरी लखनऊ की बोली जो हमें बहुत पसंद है। हमें क्या, हम लोग बोलते भी घर पे ऐसे ही हैं बस। तो आप लोग को दिखाने के लिए ऐसे बोल देते हैं, बाकी मेरी भाषा घर की जैसी बोली वैसे ही है। बढ़िया अवधि पीछे मम्मी बैठे ना, तो हम ऐसे दिखाए, बोल रही है आज लखनऊ में बोल रहे हैं। ये बोल रही है कि हम पुराने जमाने के लग रहे हैं। पीछे मम्मी आवाज दे रहे हैं, तो पहले वो निपटा कर आते हैं काम। गेहूं पलट देते हैं, धुल गए मम्मी ने, धुल दिए हैं। इसको पलटने की बारी, तो ऐसे इकट्ठा करते रहेंगे। इकट्ठा इकट्ठा क्या बोलते हैं। जैसे रात हो लेकिन तभी वीडियो काफी क्लियर से आ रहा है। मम्मी यहाँ पे गेहूं धुल रही है जैसे बताया है, और हम पानी दे रहे हैं, फिर वहाँ पे गेहूं पलट रहे हैं। पलट भी दिया हमने, दिखाएं ये देखिए, हमने पलट भी दिया। उधर भाभी हमारी बैठी हैं, छोटकी वाली, छोटकाई छोटकाई छोटकाई, क्या बोले जैसे मंजिल मंजिला मंजिला। गांव लोग बोलते नहीं मंजिला, बड़का बड़का नीचे है, मंजिला यहाँ पर है। तो भैया हम आपको आज बता ही देंगे कि लखनऊ की कैसी सुंदर सी लैंग्वेज है। आपको परिचित करवाते हैं लखनऊ की लैंग्वेज से। यहाँ ऐसा नहीं बोलते, छोटी बड़ी वैसे यहाँ नहीं, गांव में बोलते, बताया तो गांव में मंझला छुटका बड़का, ये छोटी है वो बड़ी है। आज हम मिलवाने जाते हैं अपने परिवार के सबसे पहले, लगे वैसे तो रिश्ते में सबसे छोटी ही मम्मी की देवरानी लगती है। तो छोटी हाँ, तो देवरानी है, देवरानी है, तो ये मेरी सबसे छोटी चाची है। और पोते भी है, और हमारी बाबू भी, मेरा जान भी है ये ना, ये मेरी बड़ी भाभी है। तो इन चाची और भाभी का रिश्ता हम बता रहे, क्या इधर आके खड़े होता है। चाची है मेरी भाभी की मामा की लड़की, और भाभी है मामा की लड़की। तो ये लोग बहन बने, ये मेरी चाची है, ये मेरी भाभी है, ये रिश्ता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिश्ता है, एक ही हाँ एक ही घर से है, और भी है। और मेरी मौसी की दादी, हाँ ये मौसी भी लगती है, मेरी भतीजी की, मेरी लड़रानी की, और दादी भी लगती है। वैसे तो हम लोग दादी है, वैसे तो हम लोग दादी वाला रिश्ता चलाएंगे। दादी नहीं, अम्मा कहलवाएंगे हम लोग, अम्मा। और मेरे चाचा उधर गए, दिखाएंगे चाचा को भी। गंजे चाचा दादी वाला बोल चाचा। नहीं ये रखो, गंजे चाचा मेरे आ गए। इधर लेथर लेथर के हंसा जा रहा है। बेटा ये मेरे चाचा हैं, मेरे पापा कैसे लगते हैं। चाचा कुछ बोलना है? नहीं क्या बोले, बिल्कुल मेरे पापा ऐसे लगते हैं, मेरे पापा की और छोटे चाचा की शक्ल काफी मिलती होती है। चाचा भी जा रहे हैं ससुराल, बताया नहीं, मेरी भाभी यही रहती पास में, तो चाचा भी ससुराल जा रहे हैं, चाची भी हैं, चाचा भी हैं, जो मेरे सबसे छोटे चाचा हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे वहाँ पड़ रहे हैं यूपी में वोट, तो अभी वोट डालने भी हैं। तो उससे पहले काम करते हैं, नेल पेंट को रिमूव कर लेते हैं।
क्योंकि वो जो वोट का निशान लगता है ना वो हमें पसंद है। तो वोट का निशान दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेल पेंट को रिमूव कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा जो साइड का होता है वो हटा तो उसमें लग रहा है। और फिर अभी तो काफ़ी भीड़ है, भाई का वोट पड़ चुका है, मम्मी पापा गए हैं और हम भी जाएंगे अभी मतदान करने। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने मत से अच्छा ही मतदान करिएगा। तो पहले इसको रिमूव करके ही जाएंगे ताकि निशान लगे और उसको हम आपको दिखा पाएँ। वैसे हमें पसंद है जैसे निशान लगता है, तो वो जल्दी रिमूव हो जाएगी, थोड़ी सी पक्की है ज़्यादा। तो कल जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरे चाचा चाची आए थे, वो सुबह ही चले गए हैं। चाची का मायका यहीं पास में है तो वहीं रुके थे, वो सुबह चले गए क्योंकि गांव में भी वोट पड़ रहे हैं तो उनको वहाँ भी वोट डालना था, वो किसी काम से आए थे इसीलिए कल आना पड़ा था उनको। तो चलिए पहले चलते हैं वोट डालने। वैसे मेरा नाश्ता भी होगा, मेरी पूजा भी होगा, जैसे कि टीका देख रहे हैं, तो थोड़ी देर में चलेंगे तैयार होकर, क्योंकि काफ़ी अभी भीड़ लगी तो अभी जाने का कुछ खास इरादा है नहीं, जाएंगे हम दोपहर से ही, ये हमने सोच लिया है दोपहर या शाम। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग वोट आप लोग मेरे वीडियोस देख पाएँ। हाँ वोट भी कर दीजिए। और मेरे मम्मी पापा आ चुके हैं वोट डालकर, देखते हैं क्या हाल है, बाद में मिलते हैं आपसे, प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस ये रहा मेरा आधार कार्ड और ये रहा वोट, मेरी वोट आई थी तो अब जा रहे हैं वोट डालने। तो चलते हैं फिर मतदान करने चले हम। हो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा मेरा वोट तो हो गया, तुरंत गए, तुरंत आ गए। 32 मेरा रूम नंबर था और उसमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बस दो लोग ही थे, बाकियों में तो भीड़ भी थी, इसलिए दोपहर का टाइम रखा तो मेरा तो वोट हो गया है। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी आफ्टरनून है, तो फिर आपसे मिलेंगे, बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।